रितु का जन्म 25 अप्रैल 1992 को हुआ था। ये हमारे परिवार के लिए काफ़ी खुशी का पल था। बच्ची के लिए हमारे पिता जी काफ़ी लालायित थे कि मुझे एक पोती चाहिए। बचपन में रितु काफ़ी शांत स्वभाव की थी, पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी शुरू से ही, और इसके दादाजी का ड्रीम था कि मेरी पोती पढ़ के डॉक्टर बने, और इसने उनका सपना पूरा किया। आज अगर वो होते तो क्या महसूस करते। स्कूल के सारे फंक्शन में ये हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो, डांसिंग हो, या किसी तरह की एक्टिविटी हो, सारे में भाग लेती थी और सब में प्राइज लेकर आती थी। जब रितु होने वाली थी तो बहुत हमको खुशी था कि हमको बेटी हो, और हमको बेटी हुआ भी। कि दादाजी को भी पोती चाहिए था, उनको बहुत खुशी था, इसलिए कि घर में कोई बेटी नहीं थी। बहुत जगह मन्नत भी मांगे उनको पोती हो, और जाके अपने मन्नत उतारे भी। सब लोग बोलते थे कि बेटी हुई है फिर भी लोग बहुत खुश हैं, लेकिन हम लोग को बेटी ही चाहिए था, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी हुआ। इसका शैतानी बस एक ही है, खाना खाने में बहुत नखरा है। जो भी लंच हम लोग देते थे ये पेंसिल बॉक्स में रख देती थी, बैग में रख देती थी, और खाली टिफिन करके ले आती थी। बाद में पता चला खाना खाती नहीं है, सब इधर उधर फेंक देती है, पलंग के नीचे भी फेंक देती थी। तो इसको बहुत पिटाई हम करते थे। दूध पीने में भी उतना ही नखरा था इसका, लेकिन कुछ दिन से ये बहुत अच्छे से दूध घूम घूम के पीती थी। हम एक दिन सोचे कि क्या बात है कि ये बहुत बढ़िया से दूध पीती है। पीछे पीछे आए तो देखे कि अमरूद के पेड़ में ये सारा ग्लास का दूध डेली डालती थी। उस दिन इसको हम दम भर की पिटाई किए। मुझे बोला गया है कि मैं अपने मेमोर्स को रिफ्लेक्ट करके रितु के बारे में कुछ बोलूं। अगर मुझे कुछ इंसिडेंट याद आता है तो एक बचपन की घटना है। रितु मेरे ख्याल से 5 या 6 साल की होगी। मन किया कि मैं उसे एक गिफ्ट दूँ, उसे लेके गया एक वॉच शॉप में। तो मैं थोड़ा फिकल माइंडेड था, श्योर नहीं था कि उसे क्या दूँ क्या नहीं दूँ, और कौन सा रिस्ट वॉच दूँ नहीं दूँ। तो मुझे एक रिस्ट वॉच पसंद आया, मैं उसको लेके जो शॉपकीपर उससे बार्गन हैगल करने लगा कि इसका क्या प्राइस लगेगा क्या नहीं लगेगा। जो अमाउंट वो ऑफ़र किया मुझे लगा कि अप्रोप्रिएट नहीं है, और वैसे मैं श्योर नहीं था, तो फिर मैं वहाँ से चला गया। इस सारा इंसिडेंट रितु जो है वो ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी जो उम्र होगी 5 साल के आसपास की होगी, वो बहुत क्वाइट थी। तो मैंने पूछा, रितु तुम ठीक हो ना? तो वो कहती है कि मामा मुझे आप ये बताइए कि जब आपको घड़ी लेना ही नहीं था तो वहाँ गए क्यों थे? तो मुझे लगे 5 साल कि एक बच्ची ऐसा बात बोल रही है, इसे लग रहा है उसी मैं किसी बड़े इंसान से बात कर रहा हूँ। सो आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड आई फाउंड इट वेरी फनी एज वेल, मुझे बहुत हंसी भी आई। टू थाउजेंड वन के आसपास की बात है। दीदी और जीजा जी और रितु लोग दिल्ली आए, और मैं इन लोग के साथ, फिर हम लोग साथ में गए वैष्णो देवी की चढ़ाई करने। वहाँ से जम्मू से कटरा गए थे। तो जब चढ़ाई करके वापस आ गए कटरा में, एक शॉप में रितु को एक डॉल बहुत पसंद आई, बार्बी डॉल थी। तो उसका वो
थोड़ी हेजिटेंट थी। मैंने पूछा क्या तुम्हें पसंद आई क्या डॉल, तो उसने कहा हाँ। मैंने ठीक है चलो ले देते हैं। तो दीदी जीजा जी वहीं पे थे। दीदी थोड़ी सी वैसे ही चीज़ वेरी फ्रूगल, वो पैसे को बचाने की कोशिश करती है भाई, कहीं कुछ ज़्यादा अननेसेसरी का कहीं कोई पेमेंट ना चला जाए। तो उसका जो प्राइस जो डॉल का था मुझे याद नहीं है, उन लोगों को लगा कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो जो शॉक और मोड में दीदी ने कहा इतना महंगा है ये। तो रितु को मैंने देखा, रितु ने जैसे ऑब्जर्व किया, उसे लगा कि वो कुछ ज़्यादा बॉदरेशन दे रही है अपने पेरेंट्स को। तो वहाँ पे बोली मम्मी मुझे बहुत थक गए हम लोग, चलो हमको होटल जाने का मन कर रहा है। तो वहाँ पे ये नहीं बोली मुझे डॉल नहीं चाहिए, वहाँ पे वो उसी तरह वो घुमा के वो बोलने लगी चलो यहाँ से चलते हैं। जब दीदी जज को लगा कि नहीं इसका लेने का मन नहीं है, वो थकी हुई है तो लो छोड़ दिए। लेकिन मैंने वो समझ लिया था कि वो किस किस से मना कर रही है, वहाँ पे ऑब्जर्व करती है और ऐसे पोलाइट रहती है, लेकिन जब बोलती थी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो टॉक करती है। वो चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के दिन का चुन के सपना एक बनाया। छठ पूजे का प्रोग्राम चल रहा था स्टेज पे, हाथ में दीप लेके इसको डांस करना था और ये दीप लेके डांस करती हुई तलहत्थी जल गया, लेकिन डांस को बीच में छोड़ी नहीं। और जब पूरा डांस ख़त्म हो गया तो हम लोग जब देखे, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर स्कूल में इसकी टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक काफ़ी प्रोत्साहित इसको करते रहते थे। आज भी जब काली मंदिर जाती है तो ये वहाँ एक बूढ़ी हारमोनियम लेके बैठी रहती है, काली जी की पूजा करेगी लेकिन दान पात्र में ना डाल के वो उस बुढ़िया को जरूर देती है, उसके प्रति इसकी सहानुभूति काफ़ी है। अपना दिल का बात सब हमसे बताती है, हम भी अपना दिल का बात सब उसे बताते हैं। बेटी से ज्यादा वह दोस्त हमारी बन गई है। आजा डायरी में छुपा दूं, आजा तुझको चोटी में बांधूं, कहीं किसी को ना दिख जाए सपने रे सपने मेरे। मैट्रिकुलेशन एग्जाम देखो पास कर चुकी थी तू और शी हैड कंप्लीटेड वन ऑफ द रेपुटेबल स्कूल था पटना का वहाँ से। लेकिन प्लस टू शायद वो स्कूल से नहीं होता था, तो उसको प्लस टू के लिए दूसरे स्कूल में जाना था और उसको हायर सेकेंडरी वहाँ बोला जाता है। पटना का मेरे ख्याल से बहुत ही रेपुटेबल स्कूल था, वो कॉन्वेंट था कि पता नहीं कौन सा स्कूल था, मुझे ध्यान में नहीं है। उसमें एडमिशन नहीं होती थी, या तो डोनेशन के थ्रू कराते होंगे चाहे कैसे भी, वहाँ एडमिशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, होती नहीं थी। दीदी ने कॉन्टैक्ट किया अशोक भैया उदय भैया को, अशोक भैया ही केम फॉरवर्ड, बोले ठीक है मैं पटना आता हूँ। पटना आए भी वो और कुछ वहाँ पे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं पटना के नामी बीजेपी के, उन लोगों से बात भी किया। लेकिन मुझे एक बात याद है कि अशोक भैया बोले थे कि एक जो पॉलिटिकल लीडर था वो कह रहा था अशोक जी आप कहीं और किसी स्कूल में बोल दीजिए, मैं एडमिशन करा देता हूँ, नहीं स्कूल में नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है। रितु बहुत ही स्ट्रांग हेडेड है शुरू से रही है, तो उसने क्या उसने कुछ से कुछ बोला नहीं, वो सीधे वो स्कूल को फ़ोन किया और एक अपॉइंटमेंट लिया प्रिंसिपल से, जीजा जी को ले गई साथ में। और वहाँ पे प्रिंसिपल के सामने खुद जाके अपनी बात को रखा कि मैं स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ, मेरे ये मार्क्स आए हुए हैं और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग चाहते ही पढ़ना, लेकिन उसने अपनी बातों को रखा। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या उसने, लेकिन मुझे इतना पता है कि जीजा जी वहाँ थे। जीजा जी बोले कि लाइफ में पहली बार उनको लगा कि वो कह सकते हैं कि मुझे अपनी बेटी पर बहुत ही गर्व है, क्योंकि प्रिंसिपल रितु के कॉन्फिडेंस को देख के बात करने को रह के उसने वहीं पे बुला के बोला कि इनका एडमिशन ले लो। तेरी ही बोली बोलूंगी मैं, तेरी ही बानी गाऊंगी मैं, तेरे इश्क रित
तू जो अपना नया जीवन शुरू करने जा रही है, ईश्वर उसकी सारी मनोकामना को पूर्ण करें। उम्मीद करते हैं हम अमन से कि जिस तरह हम लोग नीतु का ख्याल रखे हैं वैसे ही रखेगा। मैं नच दी फिरा इस संस्कार को हम लोगों ने दिया, मैं चाहूँगा कि आगे चलकर नए जीवन में वहाँ भी हम लोग का मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा इसी तरह बढ़ाए। बेटा, तुम अपने जिंदगी का नया शुरुआत करने जा रही हो, तुम बहुत खुश रहो। मेरा यही शुभकामना तुम्हारे साथ हमेशा बना रहे। मैं नच दी फिरा यही बोलूंगा कि ऋतु जो है वो शी कैन कम अक्रॉस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अ बिट काइंड ऑफ लाइक यू नो स्ट्रांग हेडेड, लेकिन अगर आप रैशनली उसे बात समझाने की कोशिश करोगे तो बात समझती भी है, और जो कॉन्फिडेंस लेवल है इट विल हेल्प बोथ, आई मीन अमन ऋतु बोथ इन दियर लाइफ। सो गुड लक अमन, मेरे ख्याल से यू गेटिंग गुड पैकेज इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी एंड बिहेवियर आई एम टॉकिंग अबाउट। एनीवे थैंक, काफ़ी होगा। ऑलराइट, बाय। आई लव यू बेटा। लव यू बेटा।